गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री राम। पर आप जैसे यूट्यूबर यूट्यूब पे नए हैं या यूट्यूब पे सोच रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, और आप सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा ब्लॉगिंग किट या सबसे अच्छा मोबाइल आपको कौन से है बेटर, मैं तो आपको पहले ये डिसाइड करने का कि जो आपके पास जो भी मोबाइल हो, एंड्रॉइड या कोई भी अनदर मोबाइल हो, तो वही आपके लिए बेस्ट है प्रेजेंट टाइम पे। आप पहले ही यूट्यूब पे पैसा मत खर्चा करिए, जो मतलब यूट्यूब से इनकम आए तब आप उसके बारे में सोचिए कि आपको कौन सा कैमरा है, डिसलार या कुछ भी लेना हो, तो पहले आप अपना करियर का यूट्यूब पे जीरो अमाउंट से शुरू करिए। मतलब कि आप यूट्यूब से पहले से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप समझिए कुछ नहीं कमा पाएंगे। इसलिए मैंने बहुत से वीडियो कमेंट आया कि आपको ब्लॉगिंग किट कौन सा यूज़ करते हो कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं आपको एक सबसे सस्ता सबसे बजट में आपको जो यूट्यूब पे नई वीडियो स्टार्ट करने वाले उनके लिए है। चलिए दिखाते हैं आपको जरा कुछ बात की है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए अब तक का सबसे सस्ता ब्लॉगिंग किट जो कि मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, जो कि 499 रुपीज़ का है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं इसका रिबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर क्या क्या मुझे मिला है आपको दिखाते हैं। हम वीडियो बिना विदाउट स्किप किया स्टार्ट करते हैं और इसका देखते हैं अंदर क्या क्या है। पहले बात ये देखिए इसके अंदर ये सब है, ये वायर केबल मिल जाता है। और इसकी देखिए खास बात ये है, इसमें देखिए रिमोट कंट्रोल ये मिलता है, जिससे आप फोटो क्लिक या वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं इसी के साथ। ये मुझे काफ़ी देखकर अच्छा लगा, इसके ये जो 490 रुपीज़ में इतना बेस्ट आपको ये मिल रहा है। इसके साथ ये ट्राइपॉड है, इसका सेटअप अभी हम कर रहे हैं कुछ देर में, रुकिए थोड़ा इसे निकाल लेते हैं। अच्छे देखिए इसके साथ आपको एक अच्छी से माइक मिल जाती है, जो कि इतनी बजट में ये आप काफ़ी अच्छी है, पर मैं इसे खास नहीं कह सकते। जो माइक में यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे उससे ये बेटर नहीं है, परंतु ये वीडियो मतलब 490 रुपीज़ का ये ट्राइपॉड में इतनी बेस्ट माइक आपको मिल जाती है। ये मोबाइल स्टैंड होगी जो कि आपके मोबाइल गिम्बल के साथ ये मिलती है। और ये देखिए लाइट, लाइट में मैंने पहले से ही बैटरी डाल दिया, जो कि इसमें 3 स्टेप होंगे। अभी देखिए इतनी फोकस कर रही है, अब इसे हम अंधेरे में ले जाएंगे तब दिखाएंगे और अच्छे से। हम ट्राइपॉड का पूरा सेटअप करते हैं और दिखाते हैं कैसा लगता है पूरा सेटअप होने। चलिए अभी से हम स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे सेटअप करता है। ये देखो दोनों तरफ, इस तरफ भी दोनों प्रेस करेंगे दोनों एक साथ बटन, तब देखिए ये ऊपर उठेगा, नहीं तो ऐसे अगर आप बिना प्रेस करे उठाएंगे तो ये टूट भी जा सकता है आपका। ऐसे पहले प्रेस करके आप उठा लेंगे, ठीक है, उड़ गया, देखिए पूरी तरह से ऊपर आ गया है। अब फिर इसे लेंगे मोबाइल वाला, ये जो फंसाने वाला था मोबाइल स्टैंड, इसे देखिए इस तरफ होगा पीछे उसके नट बोल्ट कसने के लिए, इसे आप इस तरफ ऐसे कर लेंगे और नीचे से खसते जाएंगे। देखिए ये देखो कितनी अच्छे से ये फिट हो गया, ये अच्छे से काफ़ी फिट हो जाएगा। फिनिश के बाद आप आती है ये लाइट को लगाने की पारी, लाइट को लगा देंगे आप अच्छे से। देखिए पहले ऐसे प्रेस करेंगे रहेंगे, फिर इसे कस लीजिएगा अच्छे से। लाइट को कसने के बाद ये देखो माइक की पारी आती है, माइक भी देखिए ऐसे दिया होगा आपको, आपको ऐसे इस तरफ ऐसे इसे फंसाना होगा, फिर इसे आप प्रेस करेंगे तो अंदर ये चला जाएगा आराम से। अंदर जाने के बाद इसे आप प्रेस करके आराम से पहले कस लेंगे तब ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए आपका पूरी तरह से सेटअप स्टार्ट चालू हो गया। हमारे पास बैटरी नहीं थी इसलिए हमने पहले मोबाइल की बैटरी डाल दी है, क्योंकि हमारे घर गांव पड़ता है इसलिए थोड़ी बैटरी नहीं मिल पा रही थी। अब चलिए हम देखें वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके अपनी मोबाइल भी लगाते हैं हम। ये देखिए मेरी घर की पुरानी मोबाइल थी, ये भी काम कर रही है, पर हम इसे लगा के दिखाते हैं आपको कैसे काम करती है। उसका माइक भी हम यूज़ करके दिखाएंगे अब कितनी अच्छी से माइक काम कर रही है, ठीक है। पहले हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं, इसके इससे यह फायदा रहता है कि ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप कहीं भी कैसे भी आप वीडियो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया इसके मोबाइल का भी। इसमें देखिए अब जब तक कनेक्ट नहीं हुआ तब तक ये ब्लू लाइट जलती रहेगी। अब अपने मोबाइल का हम देखिए ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं इसे, ये कनेक्ट होते मान लीजिए देखिए इसकी बत्ती जलना बंद हो गया इस मोबाइल का। अब चलिए इस माइक का मोबाइल के साथ साथ हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, पर अब इसका माइक सेटअप करते हैं। देखिए माइक के लिए पहले आपको ऐसे पीछे ये वाला वायर आपको करना पड़ेगा, फिर अपने मोबाइल में इसे कनेक्ट करना पड़ेगा आउट के अंदर। अगर आपके पास नई मोबाइल है और उसमें नहीं दिया है तो आप नई वाली में से आउट कन्वर्टर लेकर आप कर सकते हैं। चलिए अब इसका फुल टेस्ट करते हैं और रिव्यू देखते हैं कैसा होगा। स्टॉप करें, टेस्ट करते हैं जैसे रिमोट करते हैं, आजकल रिमोट का हम कैमरा वाला बटन स्विच करते हैं, देखिए फोटो लेता है कि नहीं। ये देखिए हमारे सामने एक लड़का खड़ा है, इसको वीडियो कॉल लेते हैं हमारे कैमरा में ये। हाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग नीचे भी चालू हो गई है। अब पारी आती है इसकी, देखिए थर्ड एंगल की पारी आती है। देखिए मैंने सब टेस्ट कर लिया, इसकी रिमोट भी बेस्ट है आपके लिए, आप ये देख सकते हैं। अब इसकी रही बात, अब हम इसकी माइक की क्वालिटी टेस्ट करते हैं। हेलो 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 प्रिंस जी, थोड़ा इजाजत किए, हेलो। इसके हम माइक की देखिए टेस्टिंग करते हैं, इस मोबाइल में हम जो माइक इसकी एम कनेक्ट है, आप इसकी आवाज़ सुनिए देखिए कैसी आवाज़ आती है करते हैं। हेलो 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 प्रिंस जी, थोड़ा इजाजत किए, हेलो। उतना खास आवाज़ है नहीं इसमें,
चलिए देखिए, जैसे आपकी ये वीडियो बनाती समय अगर आपके पास कोई भी बंदा ना हो या आप अकेले हो तो कैसे वीडियो बनाती है, चलिए दिखाते हैं। इसमें बहुत ही फायदा दे रखा था पास, ये देखिए यहाँ आप देखिए, इसे प्रेस करेंगे आप बटन को तो आपको पहले ऐसे पीछे कर लेना होगा इसे, और फिर इसे स्टैंड को ऐसे खोल लेंगे आप ऐसे, फिर यहाँ पे आप इसे स्टैंड को ऐसे खड़े कर देंगे, आप इसे वीडियो बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे जिस तरह चाहेंगे तिस तरह आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जैसे आपको कुछ भी चाहिए, माइक या ब्लूटूथ हेडफोन कुछ भी चाहिए, आप कमेंट में आप बता दीजिए, हम आपको इसे बेस्ट बजट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक फॉर।